यहाँ के कोतवाल के दर्शन करने बहुत जरूरी है, तो आपके जो दर्शन है वो अधूरे हैं। आके जो सुकून मिलता है ना गाइस, कभी भी ट्रिप बने ना वीकेंड की आपका, कहीं भी जा रहे हो कहीं ऐसी जगह मत छोड़ के ना, कोई भी मनाली मसूरी है, जितनी भी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट है उसे छोड़ के आप एक बार काशी आओ, वाराणसी आओ, काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो मजा है ना, जो मन को शांति मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैं आपको जरूर कहूँगी एक बार जरूर आना। गाइस पता है ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मनाली वनाली इन सबके मॉल रोड पे भीड़ होती है ना, उससे ज़्यादा भीड़ है। मतलब मज़ा ही आ गया कि इतना प्रेम भाव भगवान के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बूढ़े आए हैं भाई, और क्या मतलब हम जैसे लड़के और मतलब जितनी भी यंग जनरेशन है ना वो भी आई है। तो न्यू ईयर पे होते हैं ना, न्यू ईयर पे मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के मंदिर आया हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि हद से ज़्यादा मज़ा ही आ गया। गंगा आरती देख के तो हो भाई, मैं कसम से बताऊँ एक बार आके देखो वहाँ पे जो वाइब है ना, गंगा आरती नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी भाई, साढ़े 6 बजे होती है। गाइस रौनक देखो कितनी बेहतरीन है, एक तो ना दर्शन करने का 4 गेट है, पहले हम 1 नंबर में चले गए थे, अब 4 नंबर गेट से करेंगे, मैं अब 4 नंबर गेट से दिखाता हूँ दर्शन की लाइन कैसे जाती है और क्या रहता है। गाइस देखो ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल का गेट नंबर 4, देखिए कितना बढ़िया बनाया है, जो इसका रिनोवेशन हुआ है ना गजब हुआ है। बड़ा मंदिर तो है हमारा पर कितना शानदार बना है, दोबारा जो बना हुआ ना है बहुत ही तगड़ा शानदार रिनोवेशन हुआ। ये देखिए, ये देखिए है गेट नंबर 4। गाइस देखो ये है मंदिर, ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये येल्लो जो दिख रहा है सामने, देखिए ये है मेन मंदिर, यहाँ यहीं पर ही है शिवलिंग हमारी काशी विश्वनाथ जी की, जो शिवलिंग है वो यहीं पर ही है, जो येल्लो दिख रहा है ये प्योर गोल्ड लगा हुआ है, पूरा गोल्ड से गोल्ड लगा हुआ है, और मंदिर देखिए आप कितना सुंदर बना हुआ है, गजब मज़ा ही आ गया। गाइस रिनोवेट होने के बाद जो मंदिर में मज़ा आया ना, मैं कहूँगा क्या आप गोवा जाते हो क्या मसूरी मनाली, जो मज़ा यहाँ आएगा ना, मेरी पहली ट्रिप जो हुई साल की वो काशी विश्वनाथ की हुई, और इतने सुकून मिला, इतने अच्छे स्पर्श दर्शन हुए, स्पर्श दर्शन सबसे बढ़िया होने ही नहीं थे, पर जो है ना कहते ना लग ही नहीं रहा था स्पर्श दर्शन सच्ची, हो पाएंगे। सच्ची भावना से अगर आप जाओगे ना तो भगवान आपको जरूर अच्छे दर्शन कराएंगे, और अब वही हुआ, इतने अच्छे स्पर्श दर्शन हुए बाबा की, जो शिवलिंग है वो देख के उन्हें उनका प्रणाम करके इतना मज़ा आया कि दिल तृप्त हो गया, हर हर महादेव, आना एकदम सफल। गाइस अगर जो आप विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने आए हैं तो उसके बाद आपको यहाँ के कोतवाल के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, मतलब इतने ज़रूरी है कि अगर जो आपने इनके दर्शन नहीं करे, यहाँ के कोतवाल के दर्शन नहीं करे ना, इनके पास अपनी अर्जी नहीं लगाई तो आपके जो दर्शन है वो अधूरे हैं, तो आपको यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के कोतवाल हैं कौन, यहाँ के कोतवाल हैं काल भैरव। अगर जो आपने यहाँ पे आके महादेव के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन नहीं करें तो आपके दर्शन अधूरे हैं, वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ के कोतवाल कहा जाता है। गाइस देखिए ये है मंदिर, आके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है बहुत। ये मेन एंट्री है मंदिर की, यहाँ से दर्शन करने जाना है। ये देखिए जय काल भैरव, बोलो भैरव नाथ की जय। गाइस बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप भी कभी भी आना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको यहाँ जरूर आना है।